मुझे बचपन से क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस था छः साल की उम्र में ये डायग्नोस हुआ जब मुझे 106 डिग्री फेरिनाइट पे फीवर हो जाता था हाई ग्रेड फीवर और उसके बाद से आज तक मुझे हर दस दिन पंद्रह दिन में हाई ग्रेड फीवर रहता था इन्फेक्शन हो जाता था टॉन्सल से और एंटीबायोटिक्स लेने ही पड़ते थे इसकी वजह से मेरा इम्यूनिटी बचपन से लो है Uh, यहाँ आकर जो योग uh, सत्र शुरू हुआ स्वामी जी के मार्गदर्शन में उससे बहुत बहुत से डिफरेंसेस आने शुरू हो गए बॉडी में मुझे छः महीना पहले एक ऑटो इम्यून डिसीज़ भी डायग्नोज हुआ था इम्यूनो थ्रोबोसाइटोपिनिया पर पड़ा और यहाँ आने के बाद मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट है इस कंडीशन में कल मेरा लीच थेरेपी हुआ क्रॉनिक टॉन्सलाइटिस के लिए uh, उसके बाद से इंस्टेंटली Uh, मुझे uh, ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जो ग्लैंड्स हैं जो टॉन्सिलर ग्लैंड्स हैं ये इंस्टेंटली इनमें रिलीफ मिला जो भी फेब्रियाड्स थे इन्फेक्शन था वो क्लेंस विद इन हाफ एन आवर वन आवर वो पूरा गर्गलिंग करने से रिंस आउट हो गया मेरा ये दो दिन पहले लीच सेशन हुआ है उसके बाद से अभी तक मुझे बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन uh, दिख रहा है और यहाँ तो सब कुछ ही बहुत अद्भुत है बहुत अलग है यहाँ की थेरेपीज़ Uh, यहाँ गुरु जी के डॉक्टर्स की टीम भी बहुत ही अलग है एलोपैथी में जनरली uh, नेचुरोपैथी और uh, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को बहुत हाई ग्रेड में नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स की जो टीम है वेल एक्सपीरियंस्ड वेल नॉलेजेबल जो डीप और इंटेंस नॉलेज यहाँ पर दी जाती है सिर्फ मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज़ की नहीं सिर्फ एलोपैथिक मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज नहीं इंडियन uh, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उन uh, जो ग्रंथ हैं उनके पीछे का साइंटिफिक रेलेवेंस क्या है उनके एविडेंसेस के साथ में यहाँ पर नॉलेज दी जाती है थेरेपीज दिए जाते हैं डीप इंटेंस नॉलेज के साथ में ये एक बहुत ही डिफरेंट प्लेस है यहाँ पे जो अमल है नेचुरोपैथी का योग का आयुर्वेद का एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का फिजियोथेरेपी का यगन थेरेपी का साउंड हीलिंग का ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है